एक्स्ट्रा टाइम। Congratulations, you're for reaching the 100 test milestone on 24th. आपसे ये पूछना था कि ये पूरी जर्नी ऑफ 100 टेस्ट में विच वॉज द टर्निंग पॉइंट फॉर यू पर यू रियली यू थिंक रियली चेंज्ड योर करियर और डिफाइंड योर करियर फॉर द बेटर। ऐसा तो कोई मैं हाईलाइट बोल नहीं सकता क्योंकि 14 साल का अगर आपका करियर होता है और ऑब्वियसली आप अभी मैं खेल रहा हूँ तो आगे जाता रहेगा, बट ये कहना बहुत मुश्किल है कि सिर्फ एक मोमेंट में अपना करियर का हाईलाइट करके बताऊँ कि जिसने मुझे चेंज किया होगा। मेरे ख्याल से कि अगर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हर एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ में टाइम आता है कि वो कभी भी ग्राफ एकदम से ऊपर नहीं जाता, हमेशा ऊपर नीचे रहता है, तो मेरे साथ भी सेम हुआ, ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया ऊपर। तो मैं कुछ एक चीज़ को लेके पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि इस चीज़ की वजह से मेरा ग्राफ ऊपर गया है, इस चीज़ की वजह से मेरा ग्राफ नीचे गया। ईशा, कांग्रेचुलेशन फॉर 100 टेस्ट। एज लाइक समवन वाज द सीनियर बॉलर, नाउ यू लर्नड अ लॉट फ्रॉम ज़ैक एट व्हेन यू आर यंग, नाउ देयर आर लाइक सो मेनी हु लुक अप टुवर्ड्स यू फॉर एडवाइस, सो हाउ हैज दिस बीन दिस प्रोग्रेशन फ्रॉम अ यंग बॉलर टू अ वेटरन ऑफ 100 टेस्ट एंड लीडिंग अ Obviously, it feels great to be very honest. You know, to be very honest, yes, I learned a lot from Zach. You know, especially his work ethic and everything. He always kept on telling me, you know, how important is fitness for a fast bowler. So always keep that in mind, and that's what I told everyone, even in the team. So. You know, if you keep working hard on your fitness, I'm sure that you'll play longer. And that's what I generally think about myself, and that's what I pass on to my teammates as well. Yes, congratulations on your 100 test match. Ishant, agar main puchu to ye jo Lords test match aapko yaad hai jo 7 for 74 aapne liye the, ek match winning spell dala tha, to ye ek sunehri yaadgar hai aapke you know very storied career ki, aur aapne 2008 mein Australia jab India aayi thi tab bhi bahut acha perform kiya tha, kuch mere khayal se 15-16 wickets li thi series mein, aur jo Ricky Ponting ka spell aapne dala, jo Ricky Ponting ko 2008 mein Perth mein, ये तीन आपके लिए मेन यादगार रहेंगी आपके लिए, जो मतलब कुछ बता सकते हैं हमारे को, इफ यू कैन वॉक अस थ्रू दैट, कि मतलब आपको क्या याद है इन चीजों का, इन मेमोरीज का। सर उस टाइम पे जैसे कि मैंने हमेशा कहता हूँ कि जब मैं 2007-8 में ऑस्ट्रेलिया गया, उस टाइम तो मैं यंगस्टर था, तो मैं सिर्फ बॉलिंग करता था, कुछ ज़्यादा सोचता नहीं था किधर करनी है किधर नहीं करनी, जस्ट एक जैसे हम डोमेस्टिक क्रिकेट में बॉलिंग करते हैं कि आपने एक एरिया पकड़ा होगा, उस एरिया पर आप लगातार बॉलिंग करते हो। तो जब आप धीरे धीरे इंटरनेशनल ग्रेड खेलते हो तब आप लेंथ के बारे में, कंडीशंस के बारे में, सिचुएशंस के बारे में जानते हो, तो उसके हिसाब से आप धीरे 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 करके मैंने अपनी बॉलिंग चेंज करी, मतलब ऐसा कुछ टेक्निकल पॉइंट तो मैंने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया, बट ऑब्वियसली कि सिचुएशन देख के या कंडीशन देख के आप अपनी लाइन और लेंथ चेंज करते हो। और ऑब्वियसली कि जब लॉर्ड्स का जो टेस्ट मैच था उसमें जस्ट ऐसा कुछ खास नहीं था। सी, मैं हमेशा से खेलता हूँ सिर्फ एक मोटिव से कि मेरे को अपनी टीम को कैसे जिताना है, और मेरा वही मोटिव है, और जब तक मैं खेलता रहूँगा वही मेरा, मतलब मेरे को जो अभी मोटिवेशन देता है वो वही है कि मेरे को अपनी टीम को जिताना है। ठीक है, आपका पर्सनल माइंडस्टोन है कि जब आप एंड ऑफ योर करियर होंगे, जब आप छोड़ने वाले होंगे, तब आप वो देख सकते हैं, बट ये सब चीज़ें टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट इट जस्ट अ नंबर्स फॉर मी, आई डोंट प्ले फॉर नंबर्स, आई जस्ट प्ले टू विन, कि किसी भी तरीके से मैं अपनी टीम को मैच जिता सकूं, वो इम्पैक्टफुल प्लेयर रहूं, कि मैं टफ सिचुएशंस में आके अपनी टीम को कैसे उस सिचुएशन से निकाल सकता हूं, तो मेरा बस एक वही मोटिवेशन रहता है कि किस तरीके से मेरे को अपनी टीम को वो टफ सिचुएशन से निकालनी है, अगर पार्टनरशिप होनी है तो कैसे उसको ब्रेक करना है, तो यही मेरा ध्यान रहता है और ये इसी चीज़ पर मैं ध्यान देता हूँ। ये पूछना चाहूँगा कि आजकल क्रिकेट जो इतना बढ़ गया है, तीनों फॉर्मेट्स है, लीग्स है, तो प्लेयर का फिट रहना, वहां पे आप देखते हो कि मतलब ये जो 100 टेस्ट मैच जो आपने पार किया है, कभी कभी आपको लगता है कि बुरा लगता होगा कि वाइट बॉल एक टाइम के बाद सडनली आपको कंसीडर नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद आप ना तो रीडिस्कवर कर पाए, आप ज्यादा वर्क कर पाए, काउंटी गए, सीखे, तो वॉज दैट इंस्ट्रूमेंटल कि ये 100 टेस्ट का जो जर्नी है, नहीं तो
बहुत सारा शायद व्हाइट बॉल मैचेस भी रहता, आईपीएल का एक दो सीजन जो नहीं रहा शायद शॉर्ट टेस्ट मैच में हेल्प किया, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। सर जनरली मैं इसी तरीके से सोचता हूँ कि ये ब्लेसिंग डिसगाइज है। ऑब्वियसली आई लव टू प्ले व्हाइट बॉल क्रिकेट, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खेलना चाहता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन की करियर में वो उसका काम ही सिर्फ खेलना होता है, अगर वो खेलेगा नहीं तो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रेनिंग कर सकता है। बट मैं उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि अगर मैं वनडे क्रिकेट नहीं खेल रहा तो इट्स नॉट, इट शुडेंट अफेक्ट माई टेस्ट क्रिकेट, एटलीस्ट मैं वन फॉर्मेट तो खेल रहा हूँ, सो शुड बी ग्रेटफुल अबाउट दैट। तो मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचता हूँ कि जो फॉर्मेट में खेल रहा हूँ मैं उसके में अगर ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाऊँ और अपनी टीम को जिता पाऊँ तो वो मेरे लिए अच्छा है। तो मैं इसी तरीके से सोचता हूँ कि अगर कोई भी टफ सिचुएशन होती है, कुछ भी होती है, अगर आप पॉजिटिव वे में उसको सोचते हो तो ज़्यादा बेटर और ईजी होता है आपके लिए कि आप उस फॉर्मेट को ग्रेटफुल रह के अगर आप परफॉर्म कर पाओ। और मे भी हो सकता है कि इस वजह से मैं 100 टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता नहीं कि अगर मैं तीनों फॉर्मेट खेलता तो अपने 100 टेस्ट मैच नहीं कर पाता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी मैं 32 साल का हूँ। मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं सर 42 साल का हूँ, तो ऐसा लगता नहीं है कि अगर मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलता तो अपने 100 टेस्ट मैच नहीं कर पाता। मे बी इतनी जल्दी नहीं कर पाता तो थोड़ा लेट कर पाता, बट आई एम श्योर दैट कि जितने लंबे टाइम से मैं खेल रहा हूँ और जिस तरीके से मेरी फिटनेस है, टच वुड की मैं अपनी ट्रेनिंग पे और अपनी बॉडी पे काफ़ी ध्यान देता हूँ, चाहे वो रिकवरी हो, ट्रेनिंग हो, कुछ भी हो, सो आई डोंट थिंक सो आई इट शुड हैव बीन एनी प्रॉब्लम फॉर मी। Ishant, you've really spoken about your fitness, you've been in top fitness of course. Do you think you're in the best shape of your career at the moment at 32, and you plan to stay fit and keep bowling till at about 38 like Jimmy Anderson? 38, sir, it's very difficult for a fast bowler to say that, to be very honest, but I think I just go one game at a time. I don't really think too forward because you never know what comes next to you, so it's better you just think about one game at a time. And yes, you know, as a body wise, I understand my body, you know, what kind of training I need to do. I'm more professional, you know, regarding my recovery. Before, I used to train really hard, but I would never think about my recovery or anything. But right now, I know that, you know, as you grow older and, you know, you have to bowl long spells, then, you know, you need to look after yourself as a recovery wise as well. So I'm looking after myself. So yeah, I think everything is getting paid off for me really well, to be very honest. Ishant, hi and congratulations. Ishant, you started in Bangladesh when Rahul Dravid was the captain. इतने सारे इस सालों से इतना बड़े-बड़े captain के अंदर आपने खेले हैं. So from a bowler's perspective, who is the captain who understood you the most? Sir, ऐसा कहना तो बहुत मुश्किल है कि who understands me the most. I think everybody understood me really well. आई थिंक कि कैप्टन को मुझे समझने से ज़्यादा बेटर है कि मैं कैप्टन को कैसे समझता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैप्टन को मुझसे क्या चाहिए। तो अगर वो कम्युनिकेशन एक बारी क्लियर हो जाता है तो चीज़ें आपके लिए टीम में काफ़ी इजी हो जाती हैं। तो वो जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करते हो फील्ड में, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस पे या किसी भी तरीके से बात करते हो तो उसके बारे में आपको पता चल जाता है और वो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं आपके लिए। तो मेरे ख्याल से कि कैप्टन को मुझे समझने से अच्छा कि अगर मैं कैप्टन को समझूंगा तो चीजें काफी इजी हुई है मेरे लिए। What will you call as the high point of your career and what will you call as your low point of your career? And what did these two phases of your career teach you? सर ये सब चीज़ें तो मेरे ख्याल से कि आप बाहर से ही बता सकते हो कि मेरी ज़िंदगी में कौन सा लो फेज रहा है और हाई फेज रहा है। मैं तो सेम ही था, जैसे भी अभी मैं क्रिकेट इंजॉय करता हूँ जैसे पहले करता था। That's why I'm playing this sport, because I love this sport. It's not कि मैं अपने आप को ये सोचूं कि क्या मेरे लिए हाई चीज़ थी और क्या लो फेज में मैं गया। मैं जब इंजॉय करने को देखता हूँ, जैसे मैंने कहा कि मेरा एक ही मोटिव होता है कि टीम को कैसे जिताना। अगर मैं इतना सब एनालाइज करता तो मैं खेल नहीं पाता मेरे को लगता है। Just wanted to know, was it a bit frustrating ये जो आपके 100 टेस्ट का जो वेट था, you know, with injuries and then? नहीं सर, I think obviously, you know, see, I love to go to Australia and completed my 100 test match there, but कई चीज़ ऐसी होती है कि वो आपके हाथ में नहीं होती,
क्योंकि ऑब्वियसली कोविड हैपन, दिस हैपन, दैट हैपन, उसकी वजह से मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाया. तो बट आप जितनी जल्दी चीज़ों को भूल के मूव ऑन होंगे लाइफ में, उतना ज़्यादा चीज़ें सिंपल रहती है. ये मैंने अभी तक अपने करियर में जो सबसे ज़्यादा सीखा है वो ये है कि अगर आप भूल के आगे जाओगे तो उतना ज़्यादा ईजी रहेगा. नहीं तो अगर आप अपनी पास्ट परफॉर्मेंस पर अटके रहोगे या पास्ट चीज़ों पर अटके रहोगे तो आप आगे मूव ऑन नहीं हो सकते, और जो अगला मैच है वो भी आपकी पास्ट परफॉर्मेंस या पास्ट मैच के हिसाब से इफ़ेक्ट हो सकता है. तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे साथ हुआ उसको भूलूँ, आगे बढ़ूँ, और जो भी अगली सीरीज आ रही है, अगला मैच आ रहा है, उस पर ध्यान दूँ. ईशांत, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर 100 टेस्ट मैच. माय क्वेश्चन इज, सिंस 2018 कैलेंडर ईयर 2018 यू हैव टेकन 76 विकेट्स इन 20 टेस्ट मैचेस एट 19.90 समथिंग. Which aspect of the skill set were you able to improve so good that you know you're able to come out with a wonderful performance? Sir, nothing. I think I just played too many test matches, and you know we just played outside India. That's why maybe you can say that I've just taken all these wickets. Because in India, if you're not bowling, then how will you get wickets? Right? So in India, because spinners ज़्यादा उस पर रहते हैं, बॉलिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली वो लेते हैं. जब हम बाहर जाते हैं तो स्पिनर्स का रोल डिफरेंट होता है, इंडिया में फास्ट बॉलर्स का रोल डिफरेंट होता है. तो वो समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका रोल किस कंडीशन में कैसा होता है. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टेस्ट मैचेस इन लास्ट टू ईयर्स वी प्लेड आउटसाइड, सो आई बोल्ड अ लॉट. सो आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई जस्ट टुक विकेट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट्स व्हाट आई फील. यू आर स्टिल 32 एंड जब से, फॉर अ फास्ट बॉलर आई एम श्योर दैट लैंडमार्क हैज ऑलवेज बीन, there's no one apart from the great Kapil Dev who played 100 test matches. So one is, kab ehsaas hua actually ki yes I can do that, aur dusra, now that you only are saying you're still 32, time bahut hai, wo agla 131 cross karna kahin mein na kahin dimag mein aa raha hai? नहीं सर, 131 में तो बहुत टाइम है अभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अभी तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, अभी अगला मैच जो है वो जीते. मेरा दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है इस टाइम कि हम कैसे ये सीरीज़ जीते और क्वालिफाई हो टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए. क्योंकि मेरे को, अब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे पास एक ही फॉर्मेट है खेलने के लिए, और यही मेरे लिए एक वर्ल्ड कप की तरह है, क्योंकि टेस्ट चैम्पियनशिप इज़ लाइक अ वर्ल्ड कप फॉर मी. तो अगर मैं ये टेस्ट चैम्पियनशिप के अगर हम फाइनल में पहुँचते हैं और जीतते हैं, तो आई थिंक आई हैव अ सेम फीलिंग कि जैसा आप ICC का वर्ल्ड कप जीतते हो या चैम्पियंस ट्रॉफी जीतते हो. Aishan, congratulations on your 100 test match. I just wanted to know, a lot of players have talked about the difficulty during batting in the twilight period. As a bowler, I just wanted to know, do you think the short ball tactic can be employed during that stage that batsmen are extra cautious and there might be trouble sighting the ball looking at the new ground and the lights? So that we get to know once we play at this ground, because I think they've renovated and everything. So till now, I can't really say anything, you know, what trouble the batsmen and what not. Because there's a lot of things we have to see. There'll be a dew, there'll be a wicket factor, there'll be, obviously you're playing a pink ball test match, on second test match we are playing in India. So there's, and especially this pink ball test match, we are playing in a new ground. So even for us, the few things, even we don't know how, you know, we have to tackle all these things. I think I'm sure, and our batsmen are really capable, you know, to tackle all these things, how they need to go, and they prepare really well, you know, to go on to the test match. Ishant, kya aap jo aapka debut jo tha uske pehle wali evening ko ya uski morning ko kya ho raha tha, aap thoda recall kar sakte hain, aur wo jo emotion tha aur abhi 100 test ka jo ek emotion hai wo kitna different hai, kitne ready, kya aapko difference lag raha hai? और वो पहले दिन का कुछ रिकॉल कर सकते हैं, पहली शाम को किसने बताया कि आप मैच खेलेंगे, मैच की सुबह क्या हो रहा था? हाँ, लकी चीज़ ये है कि उस टाइम पे रवि सर मैनेजर थे, तो और अभी भी मेरे शॉर्टेस्ट में ही इज़ अ कोच. तो एक चीज़ तो वो है, और उन्होंने मेरे को उस टाइम बोला था ऑब्वियसली कि मैं नर्वस था, बहुत सारा क्राउड था, सो ऑब्वियसली, बट वंस यू आर इन द ग्राउंड यू डोंट रियली थिंक अबाउट द क्राउड, यू जस्ट थिंक अबाउट योर बॉलिंग. आई वॉज वेरी नर्वस कि मेरे हाथों में पसीना था क्योंकि मेरे को बॉलिंग करनी थी, और ऑब्वियसली कि एज अ यंगस्टर, यू नो, कि पहली बार जब आप घुसते हो ड्रेसिंग रूम में, उसके बाद आप ये देखते हो कि आप इतने बड़े स्टार्स के साथ जब अपना ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो, वही एक डिफरेंट फीलिंग होती है. तो पहले तो मैं उससे निकला, उसके बाद में मैं मैच खेला, और
कंपैरिजन टू 100 टेस्ट मैच अभी तो सर इट्स जस्ट अ नंबर फॉर मी टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट रियली थिंक अबाउट दैट आई प्लेड 100 और आई एम गोना प्ले 100 और उसके बाद क्या होगा मैं अब सिर्फ एक मैच के हिसाब से जाता हूँ जैसे मैं अपना 99th मैच खेला था सेम फीलिंग सेम इंटेंट सेम एग्रेसिवनेस के साथ मैं अपना 100 टेस्ट मैच खेलूंगा और जब तक वो इंटेंट और एग्रेसिवनेस मेरी बॉलिंग में और दिखता रहेगा तब तक मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा खेलना भी. Yeah, hi Ishant, congratulations on the landmark. You've got a pretty decent record against England. You've taken most test wickets against them. What is it about bowling against England that you enjoy so much, and do you think that this game will see more success for you? To be very honest, I just thanks for the stats. I didn't really know that I taken most wickets against England. I just think, to be very honest, I don't really think about against which team I've taken and what I'm doing. It just the preparation and the, you know, the plans we have against certain team, we just stick to that, and that's what I do and that's what I'm looking forward to do. And just a word on this new stadium as well. You've been talking about it. You said that there's a few unknowns there playing the first test match in, you know, such a grand setting. What are your impressions of the size and the shape and the excitement about this new stadium? Yeah, stadium looks fantastic to be honest. We are just looking forward to play in this stadium. Obviously, we don't know what kind of things we'll have to face in this ground because it's a pink ball test match and lights are a bit different and everything. So once we are in, then only we get to know what kind of plans and what kind of line and lengths and what batsmen need to do on different situation and on a different wicket. इशांत बहुत बहुत बधाई आपके शुरुआती टेस्ट मैच से मैंने आपको बहुत देखा कवर किया है और आपने अभी कहा कि मुझे बहुत उतना याद नहीं है हाई पॉइंट लो पॉइंट लेकिन मुझे याद है आपने बैंगलोर में पाकिस्तान के अगेंस्ट में पहला हाई विकेट हॉल लिया था लेकिन वो मैच ड्रॉ रहा था लेकिन फिर सिडनी में बहुत अच्छा ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ था लेकिन पर्थ में आपने जो वो स्पेल डाली थी जिसमें पहले पोंटिंग को फिर माइकल क्लार्क को आपने आउट किया था बहुत अच्छी गेंद पर वहाँ इंडिया भी जीती भी थी और तब आपकी बहुत तारीफ हुई थी और फिर आपको तब वो याद आ रहा है कि उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ अब मैं इंडिया में मतलब लंबे समय तक खेल सकता हूँ जिस तरह से कॉन्फिडेंस आता है बॉलर में इतने अच्छे सर ऑब्वियसली कि जब आपको प्रेज मिलती है क्योंकि उस टाइम भी आप देख सकते हो कि वो मेरा चौथा ही टेस्ट मैच था ऐसा नहीं था कि वो मेरा 10वां या 12वां टेस्ट मैच था वो मेरा चौथा टेस्ट मैच था उस टाइम मैं सिर्फ क्रिकेट इंजॉय करने को देखता था जो एरियाज में मेरे को बॉलिंग करने के लिए कहा जाता था मैं सिर्फ वो करता था और मैं इतना ज़्यादा ट्राई नहीं करता था क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हमने यही सीखा कि अगर आप एक एरियाज में बॉलिंग करते रहेंगे तो आप ज़्यादा बैट्समैन को ट्रैवल करेंगे और वही काम मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अगर आप उसी एरियाज में बॉलिंग करते रहेंगे तो जिस हिसाब से मुझे प्रेज मिली वहाँ पे तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आपको लोग जानने लगते हैं कि आपने एक अच्छे बैट्समैन को ट्रैवल किया और ये सब किया बट उसके बाद अगर मैं रिफ्लेक्ट करूं अपने करियर को तो उसके बाद मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने ऐसे कितने सारे स्पेल डाले हैं कि जो आज तक मेरे को लगता है कि पता ही नहीं चला किसी को कि मैंने स्पेल भी डाले हैं तो वो एक टाइम होता है क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप यंगस्टर होते हो अगर आप एक इस्टेब्लिश बैट्समैन को ट्रबल करते हो तो वो एक हाईलाइट बन जाती है बट जब आप इस्टेब्लिश हो जाते हो और जब आप वो स्पेल डालते रहते हो तो आप इतने हाईलाइट नहीं होते क्योंकि अनलेस अंटिल आप 5 विकेट ले रहे हो या मैच विनिंग परफॉर्मेंस कर रहे हो तो वो वैसे स्पेल आपके बार बार हाईलाइट नहीं होते क्योंकि आप एक इस्टेब्लिश क्रिकेटर हो जाते हो तो उसके बाद में जो आपके जो काउंट होता है वो नंबर्स काउंट होते हैं इस्टेब्लिश होने के बाद तो वो जो एक डिफरेंस है वो बहुत मेजर डिफरेंस है तो आपके ऊपर प्रेशर आना ही तब स्टार्ट होता है जब आप एक इस्टेब्लिश क्रिकेटर हो जाते हो तो वो जो मेरे को लगता है कि एक बहुत अलग चीज़ है वो धीरे धीरे हर कोई यंगस्टर सीखता है.
काफी समय तक आपने टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, जिम्मेदारी ली है बॉलिंग की, पर जब आज हम लोग बात करें तो यंगस्टर्स की, जो स्पेशली शार्दुल ठाकुर है, मोहम्मद सैनी है, मोहम्मद सिराज है, आपको क्या लगता है आगे जाके इन तीनों में से कौन सा बॉलर है जो आपकी जगह चला पाएगा टीम इंडिया? सर आई थिंक कि ऐसा मैं किसी एक का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा कि स्किल वाइज एक फास्ट बॉलर होगा कि जो आगे टीम चला पाएगा। कोई इंडिया के लिए खेलता है तो सर क्योंकि वो टैलेंटेड होता है, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आईपीएल में परफॉर्म कर रहा है, इस वजह से वो कंट्री के लिए खेल रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरे बाद में कोई होगा तो जो सबसे ज़्यादा खेलेगा इंडिया के लिए वो ऑब्वियसली कि जसप्रीत बुमराह होगा, क्योंकि वो उसके बाद में आई थिंक ही हैज़ टू लीड द वे फॉर द यंगस्टर्स, कि उसके बाद कि वो कैसे लोगों को ग्रूम करता है, कैसे वो बात करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सैनी के पास पेस है, सिराज के पास कंट्रोल अच्छा है, तो ये सब अलग बॉलर हैं। आप किसी को एक पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकते कि ये लंबे टाइम तक खेलेगा और ये नहीं खेलेगा, क्योंकि हर किसी का स्किल डिफरेंट है, तो हर किसी का जो रोल है टीम में वो भी डिफरेंट है। अगर आप सैनी को बोलोगे कि तू एक जगह पे बॉलिंग कर, तो आप उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके साथ आप जस्टिस नहीं कर रहे। और अगर आप सिराज को बोलोगे कि टीम मैं चाहता हूं कि तू 140 पे बॉलिंग कर लगातार, तो आप उसकी स्ट्रेंथ को बैक नहीं कर रहे। तो हर किसी की स्ट्रेंथ को आपको जानना बहुत जरूरी होगा कि किस फास्ट बॉलर की क्या स्ट्रेंथ है और क्या उसका रोल है टीम में। Okay, Ishan, you were telling us that in India the roles of spinners are different. I mean outside India the pacers do take more responsibility. So for this particular test match, since this is a pink ball test, do you think pacers will come to play in more? Unka role zyada rahega aur unka responsibility zyada rahega, kyunki pink ball does help pacers particularly in the time of twilight. Sir तो अभी कहना बहुत मुश्किल है। यस, व्हेन वी प्लेड अगेंस्ट बांग्लादेश, उस टाइम जब हमने स्टार्ट किया था, वो पहला टेस्ट मैच था, तो हमने जब लेंथ, मेरे को भी तीसरे ओवर के बाद पता चली थी, क्योंकि जो नॉर्मल आप टेस्ट मैच में लेंथ डालते हो उससे आपको थोड़ा सा शॉट डालना पड़ता है इसमें बॉल मूव कराने के लिए। तो अभी यहाँ पे कैसी विकेट होगी और वो कैसा खेलते हैं, ऑब्वियसली अंडर लाइट्स बॉल स्विंग होता है, बट ड्यू का भी फैक्टर होगा, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी कि यहाँ पे आप स्ट्रेट अवे ये नहीं कह सकते कि फास्ट बॉलर्स गेम में रहेंगे या स्पिनर्स गेम में रहेंगे। तो मेरे को लगता है कि सेशन वाइज यहाँ पे गेम चेंज होगा, सेशन वाइज हर एक बॉलर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि क्या पता यहाँ पे शुरू में बॉल टर्न होने लग जाए तो पहले दो सेशन में स्पिनर्स प्ले में आ जाए, बट उसके बाद में क्या जब अंडर लाइट्स ड्यू हो गई बॉल बट स्विंग नहीं हो रहा बट फिर भी स्किट होके बैट पे आ रहा है, स्पिनर्स गेम में नहीं है तो फास्ट बॉलर्स गेम में आएंगे। तो वो सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस तरीके की सिचुएशन है और बॉल और विकेट कैसी बिहेव कर रही है उस टाइम पे। लेटेस्ट न्यूज़ और एक्सक्लूसिव वीडियो संगे अपडेट থাকতে এখনি সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল, বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না জানো।